स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन एनाटॉमी का। हमने प्रैक्टिकल आज करना है परफॉर्म, उसमें जो ह्यूमन स्केलेटन को हमने डिस्कस करना है। ह्यूमन स्केलेटन में हम ह्यूमन स्केलेटन की टोटल जितनी भी बोन्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है हमने ये पढ़ना है। यह आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट है फार्मेसी टेक्नीशियन का, ठीक है ना। वो हमने परफॉर्म करना है आज, देखना है कि ह्यूमन स्केलेटन कितनी कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है। तो सब्जेक्ट हमारा एनाटॉमी प्रैक्टिकल ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन किसको कहते हैं? इंसानी जिस्म के ढांचे को। हड्डियों का एक फ्रेम होता है, मुख्तलिफ बोन्स, मुख्तलिफ किस्म की बोन्स, जैसे शॉर्ट बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, सॉफ्ट बोन्स हैं, स्पंजी बोन्स हैं, मुख्तलिफ शक्ल शेप साइज़ की बोन्स मिल के फ्रेम बनाती हैं, एक स्केलेटन बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन स्केलेटन या ढांचा। ढांचा बेसिकली टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मेजर दो हिस्से होते हैं। एक का नाम है एक्सियल स्केलेटन और दूसरे का क्या नाम है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा होता है, हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है। पहले हम कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस। एक्सियल स्केलेटन ये जो आपका स्केलेटन है सामने, इसको हम ये चीज़, अब एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल वर्ड निकला है सेंटर से, इनके हमारी बॉडी में ह्यूमन स्केलेटन में जितने भी बॉडी के सेंट्रल पार्ट होंगे उनको क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन या एक्सियल पार्ट। हमारी बॉडी ये सामने देखें ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें आप ये चेक करें कि इसके सेंट्रल पार्ट कौन से हैं। सेंट्रल मीन दरमियानी, वस्ती, ठीक है, पार्ट कौन कौन से हैं, हिस्से कौन से हैं, आप मुझे बताएं इसके कौन से हिस्से हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है सेंटर में, स्कल, क्या चीज़, स्कल। स्कल किसे कहते हैं, खोपड़ी को, किसे कहते हैं, खोपड़ी को। खोपड़ी के बाद आप नीचे चले जाएं, आपको ये क्या, एक केज नज़र आ रहा है, केज नज़र आ रहा है, केज किसे कहते हैं, पिंजरे को। और ये केज किस चीज़ का है, पसलियों का पिंजरा, मीन के रिब केज, कौन सा, रिब केज, रिब्स केज। उसके बाद बैक साइड पे ये एक आपको कॉलम नज़र आ रहा है, हड्डियों का एक कॉलम नज़र आ रहा है। कॉलम किसे बोलते हैं, सतून को, किसे बोलते हैं, सतून को। ये कॉलम है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है, इन हड्डियों का नाम है वर्टिब्रल कॉलम। ये सतून का क्या नाम है, वर्टिब्रल कॉलम। एक हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रा, क्या कहते हैं, वर्टिब्रा। और ये कॉलम को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद आपको ये रिब केज, मैंने आपको बताया है रिब केज जो फ्रंट पे एक बोन से अटैच होती है, इस ये सामने देखो चेस्ट वाली है, ये वाली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ये सिंगल बोन होती है, ये छाती वाली बोन बिल्कुल फ्रंट पे, जिसे क्या बोलते हैं, स्टर्नम, स्टर्नम। एक्सियल स्केलेटन सेंट्रल पार्ट पर मुश्तमिल होता है। बॉडी के सेंट्रल पार्ट में क्या क्या चीज़ आती है, सबसे पहले स्कल आता है, स्कल के बाद रिब केज, रिब केज के बाद वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम बोन। छाती वाली बोन को क्या कहते हैं, स्टर्नम बोन। यह आपका एक्सियल स्केलेटन। अगर हम पूरी बॉडी में बोन्स काउंट करें, पूरी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206। ये काउंट है अडल्ट एज की, किसकी, अडल्ट एज की, ठीक है। अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें कितनी बोन्स होती हैं,
ये आपका वाइवे में पूछा जा सकता है कि अडल्ट अडल्ट में बोन्स कितनी होती हैं, 206, और न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं, 306, ये आपने याद रखना है। ये 206 306, ये 100 बोन्स का गैप है, डिफरेंस ये कहाँ जाता है? गुड, ये क्या होती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, मीन के कम्पैक्ट बन जाती हैं। कुछ बोन्स होती हैं जो जब बच्चा पैदा होता है ना तो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जब अडल्ट होता है वही बोन्स क्या हो जाती है, एक दूसरे में डिफ्यूज़ होके क्या बना देती हैं, सिंगल बोन बना जाती हैं, कम्पैक्ट बोन बन जाती है। ठीक है, जैसे इसकी मैं अगर सिंपल एग्जाम्पल लूँ, आपका है पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में पहले 3 बोन होती हैं, उसके बाद फिर अडल्ट एज में आगे क्या होता है, ये सिंगल बोन बन जाती है। सही हो गया। अब बात करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? हमारा ह्यूमन स्केलेटन अपेंडिकुलर निकला है अपेंडेज से। अपेंडेज, अपेंडेजेस किसे कहते हैं, लटके हुए हिस्सों को। हमारी बॉडी में जितने भी बाहर निकले हुए हिस्से हैं, लटके हुए हिस्से हैं, उनको क्या कहते हैं, अपेंडेजेस। अपेंडेजेस हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो लटके हुए हैं, ठीक है, बाहर निकले हुए हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखें, आपको अपने दो बाजू नज़र आते हैं, कौन से दो बाजू, देखिए ये वाला बाजू, दूसरा ये वाला बाजू, इनको हम क्या कहते हैं, अपर लिम्ब। कौन से? अपर लिम्ब। अपर बोलते हैं ऊपर वाले को, लिम्ब रिप्रेजेंट करता है ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को। हमारी बॉडी के ऊपर वाले जो हिस्सा है वो क्या है, अपेंडेजेस, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं दोनों बाजू, जिसको बोलते हैं हम अपर लिम्ब्स। और नीचे वाले हिस्से में आप देखें, आपके दो लेग्स हैं, इनको बोलते हैं लोअर लिम्ब्स। क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब। ये आपका क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम, ये सेंट्रल पार्ट है बॉडी के। और अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में दोनों बाजू आते हैं और लोअर लिम्ब में दोनों लेग्स आती हैं। ठीक हो गया। ये आपका दो पार्ट आपके ह्यूमन स्केलेटन के। अब नेक्स्ट चलते हैं कि टोटल बोन्स हमने काउंट किए हैं 206। ये 206 एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स आती हैं? एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स होती हैं 80। कितनी? 80 बोन्स होती हैं, और रिमेनिंग बोन्स 126 बोन होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। टोटल कितनी हो जाती हैं ये? 206। समझ आ गई? एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 80। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी होती हैं? 126 बोन। जो आपका स्कल है, अब देखें स्कल कहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपकी खोपड़ी है। ये क्या है? खोपड़ी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कल बोल रहे हैं। स्कल में ये ऊपर वाला हिस्सा सारा क्या कहलाता है, स्कल। स्कल के हम दो हिस्से करते हैं, एक को हम बोलते हैं क्रेनियम, दूसरे का फेशियल बोन। कौन सा? क्रेनियम एंड फेशियल बोन। क्रेनियम बोन बोलते हैं ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल टॉप पे, ये फ्लैट बोन होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा, चेहरे वाला, इसको बोलते हैं फेशियल बोन, चेहरे वाला हिस्सा, जिसको बोलते हैं चेहरे वाली हड्डियाँ, फेशियल बोन। ये मैं आपको स्केलेटन का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि स्केलेटन, ये मैंने अभी देखो स्कल लिखा, स्कल को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक का क्रेनियम कहते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, फेशियल बोन। ठीक हो गया। उसके बाद है रिब्स। क्या? रिब्स। रिब्स कितनी होती है हमारी बॉडी में? 24। कितनी होती है? 24। मीन के 12 पेयर्स। कितने होते हैं? 12
पेयर्स। रिब्स कितनी होती हैं? 24 टोटल होती हैं, ठीक है। 12 पेयर्स होते हैं, रिब्स पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, जोड़े जोड़े की फॉर्म में होती हैं। उसके बाद क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। अब जो कल आज प्रैक्टिकल हुआ है फेज़ वन का, उसमें ये प्रैक्टिकल आया हुआ है आपका, राइट अ नोट ऑन वर्टिब्रल कॉलम। आपको वर्टिब्रल कॉलम का पता होना चाहिए, उसके आपको पार्ट्स का पता होना चाहिए, उसके सेक्शंस का पता होना चाहिए कि कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है और इसके अलग अलग से कितने सेक्शन हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्टर्नम। स्टर्नम मैंने आपको बताया है, ये वाला चेस्ट वाली बोन होती है। हम क्या करते हैं, अब वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस कर लेते हैं। किसको? वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ से वर्टिब्रल को उठा के लाओ, एक एक पार्ट को अलग अलग डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, ये ऊपर उठा के दे दे मुझे बस। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। कौन कौन से? सर्वाइकल रीजन। कितने रीजन पर मुश्तमिल होता है? 5 रीजन्स पर मुश्तमिल होता है। एक को बोलते हैं सर्वाइकल, क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। दूसरे को थोरैसिक, थोरैसिक। थर्ड को लंबर, क्या बोलते हैं? लंबर रीजन। फोर को फाइव को बोलते हैं कॉकस, इसको बोलते हैं सैक्रम। वर्टिब्रल कॉलम 5 रीजन पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले रीजन को बोलते हैं सर्वाइकल रीजन, दूसरे को बोलते हैं थोरैसिक रीजन, थर्ड को लंबर रीजन, फोर्थ को सैक्रम रीजन, एंड नेक्स्ट कॉकस। क्या बोलते हैं? कॉकस। ये रीजन है। अब वर्टिब्रल कॉलम कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है? टोटल 33 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। आप लिख सकते हो कि वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 बोन। इट कंटेन डिफरेंट 5 रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइकल रीजन, सेकंड थोरैसिक रीजन, थर्ड लंबर रीजन, फोर्थ सैक्रम, एंड फिफ्थ रीजन कौन सा होता है? कॉकस। अब क्या करते हैं हम, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में से हम देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका टोटल क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। अब वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है सर्वाइकल रीजन को। अब सर्वाइकल रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये खोपड़ी के, ये खोपड़ी वाली बोन, ये वाला, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये गर्दन वाली रीजन है, कौन सी? कौन सा? गर्दन वाला रीजन है, आपकी नेक वाला रीजन है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। ये कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है? 7 बोन्स पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि हमारी जो गर्दन है ना, हमारी गर्दन कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होती है? 7 बोन्स पर मुश्तमिल होती है। कौन कौन सी बोन है देखें? 7 1 ये वाली, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7। ये 7 बोन्स कौन सी होती हैं? ठीक है, सर्वाइकल रीजन है, और इसको क्या कहते हैं? गर्दन वाले मोरे। कौन से होते हैं? गर्दन वाले मोरे। हम इसको उर्दू में अगर डिफाइन करें तो ये क्या? गर्दन वाले मोरे। उसके बाद नेक्स्ट है थोरैसिक रीजन। कौन सा? थोरैसिक। अब थोरैसिक रीजन कौन सा है? चेस्ट वाला रीजन।
कौन सा? चेस्ट वाला। आपको पता होना चाहिए चेस्ट वाला रीजन को क्या बोलते हैं, थोरैसिक। ये जो बोन्स हैं 12 बोन्स, ये 12 बोन्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 बोन है यहाँ तक, ये कौन सी हैं? थोरैसिक। कौन सी? थोरैसिक। समझ आ गई? ये थोरैसिक रीजन कौन सी हैं? 12 बोन पर मुश्तमिल रीजन होगा चेस्ट वाला रीजन, जिसको बोलते हैं थोरैसिक रीजन। उसके बाद है नेक्स्ट लंबर रीजन, कमर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? ये छाती वाला, छाती वाले मोरे, ये क्या है? नेक्स्ट है लंबर, लंबर रीजन कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिब्रा। टोटल कॉलम को, वर्टिब्रल कॉलम, एक मोहरे को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। ठीक है, एक मोहरे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। तो लंबर रीजन, कमर वाला रीजन कितने वर्टिब्रा पर मुश्तमिल होता है? 5। 5 मोहरों पर मुश्तमिल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कमर वाला वाले मोहरे। नेक्स्ट है सैक्रम रीजन, लंबर रीजन के नीचे क्या होता है? स्टार्ट सैक्रम रीजन, ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया है, ये वाला हिस्सा क्या है? सैक्रम है। कौन सा? सैक्रम, यहाँ तक सैक्रम रीजन है। ये कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है? 5 बोन्स पर मुश्तमिल है, टिल एंड ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा वर्टिब्रल कॉलम का, जिसे बोलते हैं कॉक्स, कॉकस। क्या बोलते हैं? कॉकस। ये कितने मोरों पर मुश्तमिल होता है? 4। यहाँ पे देखो आपको ये बोन्स बिल्कुल डिफ्यूज्ड मिलती हैं, अलग अलग से आपको नहीं मिलेंगी, ये कम्पैक्ट बोन बन जाती है। ठीक है, एडल्ट में जो लास्ट वाले दो रीजन हैं, सैक्रम रीजन और कॉकस रीजन, ये एक एक बोन मिलकर बनाते हैं। ये बोन्स आपस में क्या हो जाती हैं? कम्पैक्ट। जब हम 206 बोन्स काउंट करते हैं तो हम 33 बोन्स को काउंट नहीं करते, बल्कि वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन को काउंट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि सैक्रम और कॉकस रीजन एडल्ट एज में जाके क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ये बोन्स कम्पैक्ट बोन बन जाती हैं और सिंगल बोन बना देती हैं, इसलिए हम इनको 26 बोन काउंट करते हैं। 306 बोन्स इन चाइल्डहुड में अगर काउंट करें, फिर उस हिसाब से क्या बनती है? वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होती हैं, 33 बोन्स और 5 रीजन। पहला रीजन सर्वाइकल रीजन, जिसमें 7 बोन्स होती हैं, उसको हम गर्दन वाला मोरा कहते हैं। थोरैसिक रीजन, छाती वाला रीजन, जिसमें कितनी बोन्स होती हैं? 12 बोन्स होती हैं। लंबर रीजन, कमर वाला, जिसमें 5 होता है। और सैक्रम 5 बोन्स पर। कॉकस सबसे नीचे वाला, जिसको दुमची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुमची, जो 4 बोन्स पर मुश्तमिल होती हैं। ऐसे क्या बन जाती हैं? 33 बोन्स। ये था आपका वर्टिब्रल कॉलम। अगर आपके एग्जाम में आ जाए वर्टिब्रल कॉलम पर नोट लिखो, तो आप क्या लिखोगे? वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 बोन, इट कंटेन डिफरेंट 5 रीजन। तो 5 रीजन आपने लिखने हैं, कौन कौन से हैं? सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकस। इनकी बोन्स आपने डिस्कस करनी है। ठीक हो गया, ये तो आपका वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट अगर एक्सियल स्केलेटन में हम देखें, एक बोन्स डिस्कस कर लेते हैं, वो है सैक्रम, सॉरी स्टर्नम, जिधर करें ये वाला हिस्सा क्या है? जे स्टर्नम, ये आपका एक्सियल स्केलेटन हो जाएगा। स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड आपकी बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, ये था आपका एक्सियल स्केलेटन। अगर हम एक्सियल स्केलेटन के बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करें, तो मैंने आपको बताया था उसके एक पोर्शन है अपेंडिकुलर स्केलेटन,
अपेंडिकुलर स्केल्टन। अब अपेंडिकुलर स्केल्टन की अगर बात करें हम, अपेंडिकुलर स्केल्टन में मैंने आप तक बताया कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, फर्स्ट अपर लिम, सेकंड लोअर लिम। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपर लिम को। अपर लिम कंसिस्ट ऑफ आर्म, फोर आर्म एंड फुट, सॉरी हैंड, ये ठीक हो गया, आर्म फोर आर्म हैंड। टोटल हमारा जो अपर लिम है उसकी कितनी बोन्स होती हैं आपको पता है? 30 बोन्स। कितनी बोन्स होती है? 30 बोन्स। एक बाजू में कितनी बोन होती हैं? 30 बोन होती हैं, 30 बोन्स होती हैं, और दोनों बाजू में कितनी बोन होती हैं? 60 बोन होती हैं। तो हम काउंट करते हैं देख कैसे, आर्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन, आर्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन, वो बोन क्या कहलाती है? ह्यूमरस। क्या कहलाती है? ह्यूमरस बोन। कौन सी? ह्यूमरस बोन। फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, टू बोन्स, कौन कौन सी? अल्ना रेडियस। हैंड कंसिस्ट ऑफ 27 बोन्स, कितनी? कौन कौन सी? कार्पल्स, मेटा कार्पल्स एंड फ्लेंजेस। कार्पल्स कितनी होती हैं? 8। कार्पल कितनी होती हैं? 8। मेटा कार्पल्स 5 एंड फ्लेंजेस 14। कितनी हो गई ये? 27 बोन होती हैं। 27 बोन हैंड में, एक आपका हो गया ह्यूमरस बोन और टू आपकी रेडियस और अल्ना। टोटल कितनी बोन्स बनती हैं? 30 बोन्स। काउंट होगी 30 बोन्स। अब हम स्केल्टन से देखते हैं कि ये 30 बोन्स कहाँ कहाँ पे होती हैं। देखें, ये आपका है अपर लिम, ठीक है, अपर लिम। अपर लिम में मैं आपको बताऊंगा ये स्टार्ट कहाँ से होता है एंड कहाँ से होता है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक बोन होती है जिसको क्या बोलते हैं, ये वाली ह्यूमरस बोन। इसका स्टार्ट होता है शोल्डर जॉइंट से, कहाँ पे? शोल्डर जॉइंट से। और एक बोन होती है जिसको बोलते हैं स्कैपूला। क्या बोलते हैं? स्कैपूला बोलते हैं। स्कैपूला से स्टार्ट होती है और एंड होती है एल्बो जॉइंट से। अपर लिम में हमारी बॉडी का अपर लिम है ना, ऊपर वाला हिस्सा, अपर लिम में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। सबसे बड़ी बोन ह्यूमरस होती है, जो क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद ये है एल्बो जॉइंट, कोहनी का जोड़, इसके नीचे, अच्छा इसी को हम बोलते हैं आर्म। ये पोर्शन कौन सा है? आर्म का है। और नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, ये है फोर आर्म, ठीक है। फोर आर्म कहाँ से स्टार्ट होगा? एल्बो जॉइंट से। और कहाँ तक जाएगा? कार्पस तक, रिस्ट, जिसको रिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, कलाई, कलाई वाली हड्डियों को क्या बोलते हैं? कार्पल्स या रिस्ट, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसमें कितनी बोन्स हैं? दो बोन्स हैं। एक को बोलते हैं अल्ना और दूसरे को क्या बोलते हैं? रेडियस। अब इसमें अल्ना कौन सी और रेडियस कौन सी है? अल्ना आपकी है अंगूठे वाले साइड की, कौन सी? थंब वाली साइड की क्या है? अल्ना है। और इसके अपोजिट क्या है? रेडियस है। समझ आ गई? फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, अल्ना एंड रेडियस, ठीक है। आपकी रेडियस बोन अंगूठे वाली साइड की होती है और जो आपकी अल्ना होती है वो इसके अगेंस्ट होती है। उसके बाद फिर आपकी है रिस्ट, कलाई स्टार्ट होती है, कलाई या कार्पल्स। कलाई, जो कार्पल्स है, कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स,
क्या कंसिस्ट ऑफ एट बोन्स, ये छोटी छोटी बोन है 1, 2, 3, 4, ये टू रोज होती है फोर फोर बोन्स की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स के बाद फिर आती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं हमारे, फाइव्स, हाथ में मेटाकार्पल्स फाइव, और इसको क्या कहते हैं पाम वाली बोन्स। पाम किसे बोलते हैं, हथेली को, हथेली वाली बोन्स जिसे हम मेटाकार्पस बोल रहे हैं, कितनी होती हैं फाइव। उसके बाद स्टार्ट होती हैं फिंगर्स, एवरी फिंगर्स ठीक है कंटेन थ्री बोन्स, ये शॉर्ट बोन्स के एग्जांपल्स हैं जिसको हम पोरे भी बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं फ्लेंजेस। टोटल फोर फिंगर्स 12 आपके हो गए फिंगर्स में, और उसके बाद टू आपके थम में बोन्स होती हैं, तो टोटल बोन्स कितनी होती हैं 14, इनको क्या बोलते हैं फ्लेंजेस। आपका ये अपर लिम हुआ, अपर लिम कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल बोन आर्म, जिसे आर्म वाला पोर्शन है उस बोन को कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद फिर फोर आर्म दो बोन्स पर मुश्तमिल होता है, अल्ना और रेडियस। उसके बाद हैंड स्टार्ट होता है, हैंड कंसिस्ट ऑफ 27 बोन्स जिसमें से 8 कार्पल्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फ्लेंजेस। ये आपका हुआ टोटल अपर लिम। अब नेक्स्ट है लोअर लिम, देखते हैं लोअर लिम। लोअर लिम में जैसे अपर लिम में हमने 30 बोन्स को काउंट किया था, सेम ऐसे ही लोअर लिम में 30 बोन्स को काउंट करते हैं। एक लेग कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होती है आपकी, 30 बोन्स पर मुश्तमिल होती है। अब देखना है कि लोअर लिम सबसे पहला पार्ट है आपका थाई बोन, कौन सा थाई बोन। थाई बोन कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन, उसको क्या बोलते हैं फीमर, ये वाली जिसे रान की हड्डी बोलते हैं, कौन सी रान की हड्डी। ह्यूमन स्केल्टन में सबसे बड़ी बोन, सबसे लॉन्ग बोन कौन सी होती है, फीमर बोन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं फीमर, और ये पोर्शन क्या कहलाता है थाई। यहाँ से ये आपका पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन के बाद यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी ठीक है फीमर, और ये नी जॉइंट तक जाती है ठीक है घुटने के जॉइंट तक। उसके बाद आपका है लेग, कौन सा लेग। लेग्स वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, लेग वाला पोर्शन दो बोन्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे आपके बाजू में फोर आर्म था ऐसे यहाँ पे लेग है। लेग कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, एक को बोलते हैं टीबिया, दूसरे को फेब्यूला। टीबिया कौन सी है इनमें से, फेब्यूला कौन सी है। टीबिया आपके थम वाली साइड की, कौन सी टो वाली साइड की ठीक है ये वाला। अंगूठे वाली साइड की क्या है आपकी टीबिया, और उसके ऑपोजिट क्या है फेबूला बोन है ठीक हो गया। ये दो बोन्स होती हैं। नेक्स्ट आपका है फुट, जैसे आपका हैंड था, हैंड में टोटल थी 27 बोन्स, और आपके बाजू में कितनी बोन्स होती है, सॉरी आपके फुट में कितनी बोन्स होती हैं 26 बोन। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, हाथ में 27 बोन होती हैं और पाँव में कितनी बोन होती हैं 26 बोन होती हैं। फुट कंसिस्ट ऑफ टॉर्सल्स, 7 टॉर्सल्स ठीक है 7 टॉर्सल्स। जैसे वहाँ पे कलाई वाली बोन थी ठीक है, यहाँ पे क्या था एंकल वाली बोन होंगी, कौन सी एंकल वाली बोन होंगी ये वाली, इसको कहते हैं टॉर्सल्स, और 7 बोन होती हैं। नेक्स्ट आपका है मेटा टॉर्सल्स, मेटा टॉर्सल जैसे हाथ में पाँव वाली थी कार्पल्स, वहाँ पे ये मेटा कार्पल्स हैं, और वहाँ पे क्या होंगी मेटा टॉर्सल्स। ये कितनी बोन्स होती हैं सेम 5। नेक्स्ट ऐसे ही उंगलियों वाली बोन होती हैं जिसको बोलते हैं फ्लेंजेस पोरे, ये सेम जैसे हाथ में 14 होते हैं वैसे ही पाँव में 14 होते हैं, और आपकी ये टोटल पोर्शन है लोअर लिम में ये 29 बोन बन गई, कितनी 29। लेकिन हमने क्या कहा बोन होती हैं 30, एक बोन कहाँ पे होती है ठीक है हाँ ये नी कैप है, ये वाली नी कैप क्या बोलते हैं इसे नी कैप, और इसका नाम है पैटीला, कौन सी बोन पैटीला। ये एक बोन होती है,
ऐसी टोटल बोन हमारी बॉडी में कितनी बन जाती हैं लोअर लिम में, एक साइड के 30 बोन्स और दोनों साइड की 30 प्लस 30 60 बोन्स, समझ आ गई। इसके बाद हमारा जो स्केल्टन है, अब आपने देखो एक्सियल स्केल्टन भी पढ़ लिया और अपेंडिकुलर स्केल्टन भी पढ़ लिया, उनके अलग अलग आपने पार्ट पढ़े, उनके रीजन्स पढ़े। इसके बाद हमारी बॉडी में दो और गर्डल्स होते हैं, एक को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल और दूसरा पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल बोन्स आपस में मिल के एक रिंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रिंग, जिसको क्या बोलते हैं? गर्डल बोलते हैं। गर्डल, शोल्डर गर्डल, कांधे वाला ये रीजन है, पेक्टोरल कूल्हे वाला रीजन है। शोल्डर गर्डल में बोन्स होती हैं, ये सामने आपको एक नज़र आ रही है बोन, जिसको कहते हैं हंसली की हड्डी। कौन सी? हंसली की, जिसे बोलते हैं क्लेविकल बोन। कौन सी? क्लेविकल बोन, एक इस साइड पे होती है, दूसरी इस साइड पे होती है। इसके पीछे सेम एक और बहुत फ्लैट बोन होती है, जिसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं और स्कैपुला बोन भी बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला। नेक्स्ट नीचे आए, इसमें ये है आपका पेल्विक रीजन। चाइल्डहुड में ये एक साइड की बोन होती है तीन। कौन सी? तीन। और एडल्ट एज में ये एक साइड की बोन एक सिंगल बोन काउंट होती है, जिसको हिप बोन भी कहते हैं, पेल्विक बोन भी बोलते हैं, ओसा बोन भी इसको बोलते हैं, इसको ओसा बोन भी कहते हैं। अब ये पेल्विक है, पेल्विक रीजन में तीन बोन चाइल्डहुड में होती हैं, इलियम, प्यूबिस और एस्कियम। एस्कियम बोन होती है, इलियम बोन होती है और प्यूबिस बोन होती है। इलियम सबसे ऊपर वाली बोन होती है, ठीक है, प्यूबिस और एस्कियम बोन होती है। ये एक साइड पे तीन बोन चाइल्डहुड में, बाद में क्या होती है? सिंगल बोन बन जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिप बोन या ओसा बोन भी कहते हैं। ये था आपका ह्यूमन स्केल्टन। अब आपको वाइवा में क्या पूछा जा सकता है, वाइवा के कुछ क्वेश्चन है कि ह्यूमन स्केल्टन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आपने कहना दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक्सियल स्केल्टन और अपेंडिकुलर स्केल्टन। फिर एक्सियल स्केल्टन कौन सा होता है? आपने कहना बॉडी के जितने भी सेंट्रल पार्ट हैं वो एक्सियल स्केल्टन होते हैं पर मुश्तमिल हो। जैसे कल मैंने आपको बताया स्टर्नम है, रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम है। उसके अलावा आपका अपेंडिकुलर स्केल्टन, अपेंडिकुलर स्केल्टन बोलते हैं जो आपके अपेंडेजेस हैं, लटके हुए हिस्से हैं, वो है अपर लिम और लोअर लिम। एक्सियल स्केल्टन 80 बोन्स पर मुश्तमिल होता है, अपेंडिकुलर 126 बोन पर मुश्तमिल होता है। उसके आपके बॉडी में दो गर्डल होते हैं, एक को पेक्टोरल शोल्डर गर्डल बोलते हैं, दूसरे को पेल्विक गर्डल बोलते हैं। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी है? फीमर बोन, रान की हड्डी। सबसे छोटी बोन कौन सी है? सबसे छोटी बोन एयर की, एयर में, ठीक है, मिडल एयर में बोन होती है, ठीक है, स्टेपिस बोलते हैं उसको, ठीक है, वो बोन हमारे मिडल एयर में होती है। एयर की सबसे, हमारी जो बॉडी की सबसे छोटी बोन कहलाती है वो स्टेपिस है, और कहाँ पे होती है? मिडल एयर में होती है। रिब्स कितनी होती हैं? 24 रिब्स या 12 पेयर्स। वर्टिब्रल कॉलम कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है? 33 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। ये थे कुछ आपके, ठीक है, स्केल्टन के हवाले से क्वेश्चन। अपर लिम में सबसे बड़ी बोन कौन सी है? ह्यूमरस बोन है। टोटल बॉडी में फीमर, अपर में ह्यूमरस बोन है, ठीक हो गया। आज ये स्केल्टन पढ़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिकल होगा फिजियोलॉजी के स्टार्ट करेंगे।